हाथीगढ़ पर भी जय कन्हैया लाल की। रात ठीक 12 बजे श्री कृष्ण जन्म की उद्घोषणा होने के साथ ही राजसमंद जिले के तीनों प्रसिद्ध कृष्ण धाम श्रीनाथ जी, श्री द्वारकाधीश व चारभुजानाथ मंदिर में तोप व बंदूकों की सलामी दी गई। साथ ही चौतरफा श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पालकी के जयकारे गूंज उठे। जागरण व श्री कृष्ण जन्म के दर्शन गढ़बोर के चारभुजानाथ के आम दर्शन के लिए खुले रहे, जबकि नाथद्वारा में श्रीनाथ जी व कांकरोली में श्री द्वारकाधीश के दर्शन इस बार कोरोना गाइडलाइन के चलते आम श्रद्धालुओं के लिए नहीं हुए। नाथद्वारा में रिसाला चौक से प्रतिवर्ष की भांति इस बार भी जन्माष्टमी की सवारी नहीं निकली। जन्माष्टमी पर रात 12 बजते ही तोप से 21 बार सलामी से समूची कृष्ण नगरी गूंज उठी। रात को जागरण के दर्शन में श्रद्धालुओं की जन्मेंदिनी उमड़ पड़ी। श्रीजी प्यारे को विविध प्रकार के खेल खिलौनों से रिझाया गया। रात 12 बजते ही पट बंद हो गए और श्रीमद् भागवत के 8 श्लोक का वाचन कर घंटनाद किया गया। इसके बाद श्री बालकृष्ण लाल जी को पंचामृत स्नान कराया गया। इधर रिसाला चौक में दो प्राचीन तोपों से एक एक कर 21 बार सलामी दी गई। तोप छोड़ने में सुरक्षा अधिकारी के साथ ही कुल 10 जवान तैनात थे। रात को जन्माष्टमी पर्व पर रिसाला चौक में तोपों के जोड़े से सलामी दी गई। इन दोनों ही तोपों को नर व नारी का प्रतीक माना जाता है। प्रति 1.5 मिनट के अंतराल में दोनों तोपों से 21 बार सलामी दी गई। जन्माष्टमी पर स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के माकूल व पुख्ता प्रबंध किए। शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिस के सशस्त्र जवान तैनात रहे। वहीं मंदिर में महिला गार्ड, होमगार्ड, श्रीनाथ गार्ड व पुलिस के जवान तैनात थे। इस दौरान जिला कलेक्टर अरविंद कुमार पोसवाल, SDM अभिषेक गोयल, श्रीनाथ जी मंदिर मंडल CEO जितेंद्र ओझा, DSP जितेंद्र आंचलिया, CI पूरण सिंह राजपुरोहित सहित मंदिर मंडल के पदाधिकारी, पुलिस के जवान बाजार व व्यवस्था में नजर आए। रात 12 बजते ही शंख, जालर, घंटानाद की ध्वनि से मंदिर चौतरफा गूंज उठा। प्रभु के सम्मुख विराजित श्री बालकृष्ण लाल जी को पंचामृत स्नान कराया गया, महाभोग धराया गया, जिसमें पंजीरी के लड्डू, मनोर के लड्डू, मेवा बाटी, केसरिया घेवर, केसरिया चंद्रकला, दूध घर में सिद्ध मावे के पेड़ा, बर्फी, दूध पूड़ी, केसर युक्त बासुंदी, जीरा युक्त दही, केसर सफ़ेद मावे की गुंजिया, श्रीखंड वड़ी, घी में तला हुआ बीज चालनी का सूखा मेवा, विविध प्रकार के संदाना के भटोरे, विविध प्रकार के फल भी अरोगाए गए। इधर राजसमंद शहर के कांकरोली में श्री द्वारकाधीश मंदिर में रात 8 बजे जागरण के दर्शन खुले, जो रात 11 बजे तक अनवरत रहे। उसके बाद मंदिर के कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए बंद हो गए। ठीक 12 बजते ही प्रभु जन्म की उद्घोषणा के साथ ही मंदिर परिसर में शंख घंटे की ध्वनि से वातावरण गुंजायमान हो उठा। द्वारके सुरक्षा टोली ने बंदूकों से श्री प्रभु को सलामी दी। कोरोना गाइडलाइन के चलते इस बार श्री कृष्ण जन्म के दर्शन आम श्रद्धालुओं के लिए नहीं हुए। तृतीय पीठ के गोस्वामी वेदांत बाबा व सिद्धांत बाबा ने दूध, दही, घी, शक्कर, शहद और जल से पंचामृत किया, फिर वस्त्र धारण करवाए गए और प्रभु की आरती उतारी गई। इन्हीं दर्शनों में प्रभु के सम्मुख मंदिर पुरोहित पंडित बिंदुलाल शर्मा ने पंचांग का वाचन किया। फिर मंदिर सुरक्षा टोली विठल विलास बाग से मंदिर तक परेड करते हुए पहुंची और वेदांत कुमार गोस्वामी व सिद्धांत कुमार ने सलामी ली। इस तरह आप देख सकते हैं किस तरह से श्री द्वारकाधीश मंदिर में श्री द्वारकाधीश प्रभु को तोपों से, बंदूकों से सलामी दी गई और चौतरफा श्री कृष्ण कन्हैया लाल के जयकारे गूंज उठे। इसी तरह गढ़बोर में चारभुजानाथ मंदिर को मेले व आम्र पत्तों से सजाया गया। शाम को संध्या आरती के बाद दर्शन बंद हो गए। जागरण पर मंदिर परिसर में पुजारी मृदंग व ताल की थाप पर श्री कृष्ण लल्ला के
गुणगान व हरजस का गायन करते रहे। रात ठीक 11:48 पर मंदिर का सायरन बजा और इसके साथ ही देवस्थान विभाग के जवानों ने बंदूकों से श्री चारभुजानाथ को सलामी दी। पुजारी सोहनलाल विरावत ने कृष्ण के बाल स्वरूप को पालने में झुलाने की रस्म निभाई। श्रद्धालुओं ने कृष्ण कन्हैया लाल के जयकारे लगाए और चौतरफा वातावरण श्री कृष्णमय हो गया। बाल स्वरूप के दर्शन 1 घंटे तक चलते रहे। मध्य रात्रि 12:45 पर मंदिर के निज कपाट बंद हो गए। इस दौरान मंदिर में पंचामृत पंजेरी का प्रसाद आम श्रद्धालुओं में वितरित किया गया। पधारो काका जी, कई लोग चाय कॉफी या लेमन टी। मारे तो कॉफी पीनी है। अरे डबी जा मारी देवी, आज हमारी चाय पीन देख थाने मजा आई जाई। मैं हूं गाना की चाय बहुत जोरदार बेवे, मजा आई बहुत बढ़िया चाय बनाओ आप तो। आप रे अटे राजसमंद में कनी कनी जगह है दुकाना? राजसमंद, उदयपुर, बिलवाड़ा, ब्यावर, जयपुर, जगह जगह पे ब्रांचा है। अटे राजसमंद मीने कांकरोली मीने द्वारकेश चौराहे पे जेके मोड़ पे अभी नई ब्रांच खोली है। वटा पहली अपने टीवीएस चौराहे पे पेट्रोल पंप रहामी एक ब्रांच है। एक केलवा चौपाटी पे अभी नई ब्रांच खोली। वटा पहली नादवारा मीने ही और उदयपुर में 3-4 जगह पे अलग अलग है। आप तो जटे भी जाओ आपने मंगल चाय मल जाई। बहुत बढ़िया है यार, जदी तो था तो जगह जगह खुली रखी, बहुत बढ़िया चाय है, मजा आई गयो। वाह साहब, और पधार जो, जयराम जी री। इधर चित्तौड़गढ़ जिले के मंडपिया में भी सांवलिया सेठ के दरबार में श्री कृष्ण जन्मोत्सव श्रद्धा परंपरा के तहत मनाया गया। आप देखिए इन तस्वीरों में। Yeah!